जयपुर के रेनवाल इलाके में सड़क किनारे महिला पुरुष के शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेनवाल थाना क्षेत्र के कवरपुरा सड़क मार्ग पर शव मिलने की सूचना पाकर एएसपी दिनेश शर्मा और डीएसपी लक्ष्मी सुथार में जाप्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर मौके का मुआयना किया। इस दौरान मृतकों की शिनाख्त गोविंदगढ़ क्षेत्र के हस्तेडा निवासी सीताराम यादव और रेणु शर्मा के रूप में की। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, साथ ही पुलिस ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका भी जताई है। मृतका करीब 10 साल से हस्तेड़ा गांव में किराए के मकान में रह रही थी, वहीं उसका पति हरियाणा में कार्य करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्राइम ऑफ एसी तो देखने से ऐसा लग रहा है कि तो गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, जो इस उसके गाड़ी के टायर के स्किड मार्क और वो हैं, गाड़ी पलटी हुई, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होके रोड से नीचे उतर के पलटी हुई है, उसके नीचे गाड़ी के नीचे दबे हुए बता रहे हैं मौके पर जो भी लोग पहले पहुंचे थे उन्होंने। अब जाँच कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, FSL की टीम बुलाई, FSL के जो भी एक्सपर्ट हैं वो अपने क्या ओपिनियन देते हैं उसके अनुसार आगे कार्रवाई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जगदीश सब्बल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जगदीश, देखिए शव मिला है महिला और पुरुष का, अभी जांच जारी है, क्या कुछ अभी पूरा ये मामला लग रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आईसी ये प्रथम दृष्टि से एक्सीडेंट का मामला बताया जा रहा है। एडिशनल SP दिनेश शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं और FSL टीम भी बुलाई गई है, कोई संदेह ना रहे कि ये संदिग्ध अवस्था में इनकी दोनों की डेड बॉडी मिली है, तो उसके आधार पर इनका FSL टीम जांच कर रही है, उसके आधार पर बताया जा रहा है। अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है कि FSL टीम ने साक्ष्य जुटा लिए हैं और अभी मृतकों के परिजनों के आधार पर पंचनामा भरा जा रहा है और उनका शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। जी शुक्रिया जगदीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।